हाथ में कट्टा लेके धमकाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के अमले को। बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर में लू से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। भीषण गर्मी में लू से महिला की जान चली गई। महिला बेहोश होकर गिर गई थी, अस्पताल में महिला की मौत हो गई। सरगांव के वार्ड क्रमांक 14 की यह घटना बताई जा रही है। उमेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी घटना को लेकर? उमेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, सवाल एक बार दोहराएंगे। घटना को लेकर क्या जानकारी? महिला की मौत हो गई लू से, उमेश? बिल्कुल, देखिए, ये भीषण गर्मी से लगातार ये देखा जा रहा है, लू के थपेड़े देखे जा रहे हैं। और यही जानकारी मिल रही है कि कल जो है वो सरगांव की रहने वाली वार्ड क्रमांक 14 की जो एक महिला बुजुर्ग है वो अपने घर के आंगन में चक्कर खाकर गिर गई, जिसको अस्पताल में बेहोशी की हालत में एडमिट कराया गया, जहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्राथमिक दृष्टि से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लू का कहर है वो उस पर असर देखा गया। हालांकि ये पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, प्राथमिक जो जांच के दौरान जो डॉक्टरों ने कहा है कि वो कहीं ना कहीं लू का जो असर है वो इस महिला पर देखा गया और जिसकी वजह से इसकी मौत हुई होगी। जी, अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है बिलासपुर में? क्या मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ गई है? देखिए, मंगलवार की अगर टेम्परेचर की बात करें तो 46.4 डिग्री जो है वो तापमान दर्ज किया गया था। कल 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया था। आज भी यही माना जा रहा है कि 45 से 46 के बीच जो है वो पारा चढ़ गया है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो तमाम जो अस्पताल है या सिम्स है वहां पर लगातार लू और बुखार से पीड़ित जो मरीज है वो यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का।